हाय फ्रेंड्स, सो आई एम रियली सॉरी कि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत लेट अपलोड हो रहा है, मतलब बहुत लेट आपको देखने को मिला है। वो इसलिए गाइस, आपने देखा ही कि हमारे घर में पूजा होने वाली थी, बहुत लेट हो गया था। मतलब पूजा वगैरह होते होते 3:30 बज गया था, 4, ठीक है। और मतलब फिर पंडित जी को खाना वगैरह सब चीज़ भोजन वगैरह करवा के फिर खा ली मैं लगभग जो भी है 4:30 बजे। उसके बाद फिर मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब आने लगे, क्योंकि वीक डे था तो वीक डे में सब जॉब वगैरह पे जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए दिन में आना। फिर शाम मतलब शाम में सारी चीज़ें चल रही थी तो बहुत थकान लग गई थी गाइस। रात में ना आप मानोगे नहीं, डेली होता है मुझे, ऐसा नहीं है कि 1:30-2 नहीं बजते हैं, लेकिन कल क्या है ना, बिल्कुल आराम नहीं मिला था दिन में और बहुत थकान लगी थी। तो 3 बज गए थे सोने में हम लोगों को, तो मैं एडिट भी नहीं कर पाई ब्लॉग। और आज भी सुबह समझ सकते हैं आप कि मतलब कल के सारे बर्तन वगैरह, फिर साफ़ सफाई, जो पूजा हार फूल वगैरह जो भी था वो सब चीज़ साफ़ करना पड़ा, तो उसमें पूरा टाइम चले गया जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ गाइस, तो कभी कभार ऐसा लेट हो जाएगा, इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो देखना बंद ना करें गाइस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आदर्शी फैमिली ब्लॉग्स। आज घर पे पूजा है। मम्मी क्या कर रहे हो? तैयारी चल रही पूजा की। देखो तवा बनाई हूँ। अभी मम्मी ने ये सब ना दूल्हे सब घंटे भी साथ में है, पूजा का है और सब चीज दूल्हा है, और ये भगवान जी की छोटी सी ग्लास, और ये यहाँ पे प्रसाद बना है। कभी कभी मैं ऐसे पानी भी पी लेती हूँ। प्रसाद बना पलटना पड़ेगा मुझे इसको। बस ये प्रसाद बना है जो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक बर्तन में। ये हलवा बना है प्रसाद के तौर पे। प्रसाद में हलवा मिलता है था इसके लिए। प्रसाद में हलवा मिलता है, हलवा बना है। फिर अभी चरणामृत बनेगा। मेरे को मम्मी के हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है। चरणामृत भी बनेगा, फिर वो खीर बनेगी, पूरी बनेगी भगवान के लिए। सब बन रहा है, केला भी है और सब ये रखा है। अभी तो सेटिंग हुआ है, बस अभी तैयारी चल रही है। ये सब रखा है, ये भी रखा है। रात को मैंने ये साफ किया था पूरा हॉल, और यहाँ पे साड़ी रख दी। मम्मा ये आपकी साड़ी है? वो येलो कलर की आपकी साड़ी है? नहीं, मेरी लेकिन दादी नहीं पहनेगी, बोल रही दूसरी पहनेगी। मम्मा दादी को तो सही वो खरीदी वाली पहनेगी ना? नहीं, वो तो देने के लिए है पंडित जी को, पंडित जी को देंगे वो। और इसमें हम ऊपर डाल देंगे काजू और किशमिश, क्योंकि ये लग रहा है आप बनको। मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब बंद करो, थोड़ा पॉज कर दो, पॉज। रुको, ये तो दिखा दो। यहाँ से कोई ना कोई मूर्ति लेके जाना रहेगा, तो फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अभी पूरी बनाने के लिए आटा डाल रही है, खीर यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे ना बटाटा चढ़ा, क्योंकि सबका उपवास है ना, सबका व्रत है, तो फिर बटाटा चढ़ा के रखा है गैस पे। मेरा नहीं है पर मैं भी खाऊंगी, मेरे को भी अच्छा लगता है। साबूदाना की खिचड़ी मैं भी खाऊंगी आलू, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मेरा व्रत तो नहीं है पर मेरे को अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखो, देवांशी काम कर रही है पूजा का, सारा बर्तन जाके वहाँ रख रही है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाएंगी गाइस। नहीं नहीं, उसमें ही रहने दे बस। तो बस गाइस अभी सब तैयारी चल रही है। आई होप देवांशी ने आप लोग का वेलकम किया होगा, मैं भी करती हूँ गाइस, और होप करती हूँ कि सारे फैमिली मेम्बर्स आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है, बस मेरी प्रिपरेशन चल रही है। जैसे देवांशी ने बताया कि यहाँ पे खीर बन रही है भगवान को चढ़ाने के लिए, पूरी के लिए मैंने आटा वगैरह कर दिया है सर। यहाँ पे बटाटा रखा क्योंकि व्रत है सबका गाइस, तो फलहार भी करेंगे, और यहाँ पे पानी गर्म किया है अपने ससुर के लिए, वो नहाने जाएंगे।
चाय वाय बना के एक बार सबको दे दी। आई होप आप लोग के यहाँ भी चाय वाय हो गई होगी और हलवा मैंने जैसे बताया आपको तैयार करके रख दिया है, जब बस चरणामृत बनाना बाकी है गाइस। तो देवांशी आज की रिकॉर्डिंग करने वाली है जब हम पूजा पे बैठे रहेंगे तो तो अभी देवांशी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगी और वो आपको दिखाएगी कैसे पूजा वगैरह परफॉर्म हो रही है गाइस। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स अभी देवांशी की डेली बाहर गए थे आम का पत्ता लाने के, उनको मिला नहीं। रेडी गए थे आम का पत्ता लेने के लिए जो कि उनको नहीं मिला, और वो पानी का पत्ता लेकर आए थे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो माँ और बेटी सेम सेम, मैं आपको दिखा रही सेम सेम कैसे देख रहा हूँ, सलवार ऑरेंज और मेरा भी येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। हाँ चलो ओके, कुछ नहीं चाहिए महाराज जी बताएंगे। देखा ऐसा ना शादी ब्याह पूजा पाठ हमें क्यों यहाँ जैसे सब कुछ बचा है। हाँ शुरू से लास्ट तक पूरा ना ही करूँ विराज जी क्या यहाँ सी मेरी बात नहीं, मेरी बात तो जरूर पड़ेगी तो मुझे जाना क्या लाना है जवान सी ये लाओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोद्धरः मंगलम मंगलेकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हाथ में फूल चावल ले लीजिए आगे बढ़ा तो आप देखिए सोमवार भी है सावन भी है कितना चार चार फल आपको मिलने वाला है। सब सोच के रखा गया क्या बात है, ये भगवान की कृपा से होगा। अब देखिए पूजा और कथा तब होती है जब देवताओं का स्नान ध्यान हो जाता है, अब एक ही साथ सभी का स्नान हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ शिव जी का अभिषेक हो जाएगा, सब लोग अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे, उनको वस्त्र चंदन टीका जो भी चढ़ाना है धूप दीप नैवेद्य होते उसके बाद बधाई नमो नमः वंदे मातरम् वंदे नमो नमः वंदे मातरम् वंदे नमो नमः वंदे मातरम् हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ शनिगंगयाग्रेण पशुपतिम कृष्ण सब दे दूंगा जो बना हो जाएगी। हरे ओम माम वार समय बस बस में सच में स्थागुण सच में स्थागुण सच में द्वादगुण सच में द्वादगुण सच में खटदगुण सच वरदस्तम वरम देवी वांछितम वांछित अब मम्मी वगैरह का भी सब करेगा। अरे हेड़ा हर दोस्तों सारा नमः मामा ऐसे टक्सर क्या रखती थी और भगवान के कुछ स्वाहा स्वाहा बुधाय स्वाहा स्वाहा बुधाय स्वाहा स्वाहा अमृत बुधाय स्वाहा स्वाहा अमर बुधाय सो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि पूजा वगैरह सब हो गई है, मैं अपने रूम में हूँ इसलिए इतना फ्रीली बात कर रही हूँ, पंडित जी के सामने ज़्यादा नहीं बोलती मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे देवांशी भी फलहार वगैरह लेके बैठी, जहाँ पर मैंने साबुदाने की खिचड़ी बनाई है, देन नाशपाती है और एप्पल है, ये मेरा प्रसाद है जो मुझे पंडित जी ने दिया है। नाशपाती बोलते स्वीट लाइन बेटा नाशपाती, मैंने आपको एप्पल देने को बोला। अरे तो देवांशी ने मुझसे कहा इस एप्पल मांगा था और मैंने उसको दे दिया। मैं
क्या बोलते हैं यार इसको, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा है गाइस, नाशपति को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बताना इंग्लिश में, ठीक है। और आई होप गाइस कि आप लोगों को हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, पूजा अच्छा लगी होगी। डिस्ट्रॉय हस्बैंड, तो गाइस आपने अगर वो रील कभी नहीं देखी है तो देखिए जरूर कि डिस्ट्रॉय हस्बैंड मांगती है एक वाइफ एक क्या बोलते हैं शॉपकीपर से जो कि वेजिटेबल सेलर होता है उससे डिस्ट्रॉय हस्बैंड मांगती है। तो आप देखिए और बताइए डिस्ट्रॉय हस्बैंड का मतलब क्या होता है और एक्चुअल नेम क्या है इंग्लिश में इस नाशपति का। ठीक है तो देवान जी कैसे लगा पूजा वगैरह देखिए सब कैसा लगा। ओके गाइस तो ओके वो तो होना ही है। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, सो दैट हम आपके लिए ऐसे ब्लॉग्स बनाकर लेकर आते रहें और आपका सपोर्ट हमें मिलता है गाइस। 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, सेलिब्रेशन ज़रूर बनेगा और करेंगे हम उसका ब्लॉग भी आपके सामने शेयर। कमेंट करना ना भूलें गाइस, जैसे मैंने बोला कैसे लगी हमारी आज की पूजा रुद्राभिषेक, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके बताओ मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है। ओके तो गाइस कमेंट करके बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। आप लोगों ने मुझे आइडिया साड़ी में नहीं देखा होगा, सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ माय इन साड़ी इन फ्रंट ऑफ माय व्यूअर्स। देवांश ने पायल भी पहनी है, सो कमेंट करके जरूर बताएं मेरी साड़ी में मैं और देवांश की पायल कैसी लग रही है आपको। फिर मिलेंगे गाइस, हाँ नानी ने दी पता है मुझे, तो फिर मिलेंगे गाइस हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय।